हेलो गाइस, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ DDE नायब तहसीलदार एग्जाम जो कि 27 अगस्त को है। उसके कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में आपसे पूछा गया है। रिजिसाइड का मीनिंग, इसका मीनिंग होता है किलिंग ऑफ किंग। कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में भी हो सकते हैं। स्पीच इन ए ड्रामा बाय ए सिंगल पर्सन नॉट टू द अदर पर्सन बट फॉर ऑडियंस। सोलिलोक्विस्ट इसका करेक्ट आंसर है। द एम्प्लॉयज वर हैप्पी बिकॉज बॉस ब्लैंक द मीटिंग पुट ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है जिसका मीनिंग होता है पोस्टपोन। एक अरेंज करना था आपको सेंटेंस, APJ अब्दुल कलाम के बारे में दिया गया था ये सेंटेंस। इमेजिनेशन सेंटेंस दिया गया था, इसका मीनिंग पूछा गया था। इफ आई वर यू आई विल नॉट हेल्प यू। इसको करेक्ट करके आपको बताना था। सिक्स्थ क्वेश्चन एक पूछा गया था एरर के बेसिस पे। टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूएश। करंट अफेयर से एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज कहाँ हुई। केरला एक करेक्ट आंसर है। ओडिशा कितनी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। करेक्ट आंसर 4 स्टेट्स। विच डायनेस्टी वॉज टॉपल्ड बाय द सुंगा डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी। शमसुद्दीन कोमर लास्ट रूलर होते हैं किस डायनेस्टी के। स्लेव डायनेस्टी। हरित सागर किसकी स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड सीवेज। चंदेला वाज प्रेजेंट एट प्रेजेंटली अगर फिलहाल की बात करें मध्य प्रदेश। द लीडर के मोहन मदन मालवीय। भूदान आंदोलन विनोबा भावे। बाइपर जोई किसने नाम दिया। बांग्लादेश। कितनी ब्रांचेज साउथ वेस्ट मॉनसून के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2 ब्रांचेज। चोला एम्पायर डेजिनेशन की नाम रेवन्यू चीफ मिलिट्री पर्सन्स इनके नाम हमको याद होने चाहिए। किसने परफॉर्म किया था रेड फोर्ट पे आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जेएल नेहरू। साइंस में एसिड और बेस का टेस्ट के बारे में पूछा गया आपसे। इन USA वेहर इंटरनेशनल योगा डे वॉज सेलिब्रेटेड वॉज इन टेनेसी। फर्स्ट सिटीजन अमेंडमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1986 में हुआ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सिटीजनशिप वॉज नॉट अमेंडेड। 2021। विच आर्टिकल टू पंचायत इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 9। लिबरेशन इंटीग्रेशन एंड फ्रेटर्निटी टेकन फ्रॉम विच कंट्री। फ्रांस। रिजर्वेशन ऑफ वीमेन इज 1/3 सीट्स इन द हाउस। वन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द रैंकिंग इन 2022 और इसका मीनिंग स्टार्ट होता है सी से। नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक हो जाएगा। 2070। वन क्वेश्चन फ्रॉम द रैंकिंग ऑफ 2022 अगेन। क्वेश्चन रिलेटेड टू दाऊदी बोहरा जिसमें PM नरेंद्र मोदी आंसर था। शमसुद्दीन कोमार किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ममलुक डायनेस्टी। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बहादुर शाह जफर कब उनकी डेथ हुई थी। 1862 ये रंगून में इनकी डेथ हुई थी। कुछ पिक्स के बारे में पूछा गया। एना मुडी दोदा बेटा एंड महेंद्र गिरी इन पिक की रेंज पूछी गई। नेशनल पार्क जो कि शेयर करता है नेपाल और इंडिया के साथ बाउंड्रीज वाल्मीकि नेशनल पार्क। और कुछ अदर क्वेश्चंस। विक्रमशिला गंगटीक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है। बिहार में। यूनियन बजट एलोकेशन ऑफ जल शक्ति 97,000 करोड़। कुछ क्वांट से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। AI समिट कहाँ हुआ। UN कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी प्रेसिडेंट मीटिंग। वक्सीर सबमराइन के बारे में क्वेश्चन था। एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज ये किस सेक्टर में पड़ती हैं। प्राइमरी एंड टर्सरी सेक्टर। एंड वन लास्ट क्वेश्चन। टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर बिलोंग टू विच पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का करेक्ट आंसर होगा। अगर कुछ अदर क्वेश्चन इसमें ऐड होते हैं जो कि हमें याद आते हैं कि वो एग्जाम्स में देखने को मिले थे आई विल राइट डाउन।
दीज क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. अगर आप किसी भी DDA का अदर एग्जाम देना चाहते हैं तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी कैंडिडेट हु विल अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग ए टाइम. आई विल मीट विद ए न्यू वीडियो ऑन दिस YouTube channel.